इन्फर्नीस में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री डेजी शाह की नई फिल्म राम रतन 3 नवंबर को रिलीज हो रही है। आपको बता दें कि राम रतन का वर्ल्ड वाइड रिलीज 3 नवंबर को हो रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर गोविंद सहकारिया हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। फिल्म राम रतन भारतीय बॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे प्रफुल्ल पारखे द्वारा लिखा गया है और गोविंद सहकारिया द्वारा निर्देशित है। ये फिल्म और सब स्टार मूवीज के बैनर के तहत संजय पटेल, अश्विनी पटेल और भारतीय डोडिया द्वारा निर्मित है। ऋषि भुटानी और डेजी शाह को फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभानी है। फिल्म कॉमेडी और रोमांच की चुटकी के साथ रोमांस से भरी हुई है। इस फिल्म में महेश ठाकुर, सुधा चंद्र, राजपाल यादव, सुमित वस्त, प्रशांत राजपूत, कंगना शर्मा और सतीश कौशिक भी शामिल हैं। हर कोई फड़फड़ाता है लेकिन सभी पत्नियां भी बहुत ज्यादा जुड़ी होंगी क्योंकि फिल्म एक पत्नी के बारे में है कि वो एक पति को कैसे ट्रैक करने की कोशिश करती है। फिल्म में विशिष्टता के बारे में पूछा जाने पर डेजी ने कहा, चरित्र और लिपि बहुत अलग है। मैं इस फिल्म में एक पत्नी और संदेश की भूमिका निभा रही हूं, जिसे हमने इस फिल्म से प्रसारित करने का प्रयास किया था कि ये हर परिवार की समस्याएं हैं लेकिन इस फिल्म की पत्नी ने इससे कोई गड़बड़ नहीं की है और अराजकता में अन्य परिवार के सदस्यों को शामिल नहीं किया है और अपने पति को वापस लाने की योजना बनाई है। इसलिए ये पत्नी आज के युग की है जो समस्याओं से निपटने और समाधान से निपटने के लिए अपने पति को अपने तरीके से लाने की कोशिश करती है। डेजी के मुख्य तत्व के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये गीत वाकई अच्छे हैं क्योंकि बप्पी दा ने संगीत दिया है, इसलिए वो बेहद उत्साहित हैं और कोई भी इस फिल्म के संगीत से उब नहीं सकता। इसके अलावा ये एक रोम कॉम और एक बहुत ही सुरक्षित विषय है। किसी को बहुत मस्तिष्क डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल जटिल नहीं है, ये एक मजेदार सवारी है। फिल्म दाजी के लिए सलमान खान से अनुमति लेने के बारे में पूछने पर कहा, मैं उनकी अनुमति नहीं लेती लेकिन उनकी सलाह लेती हूँ। वो उद्योग में एक लंबे समय तक रह रहे हैं इसलिए फिल्मों और विषयों का बहुत ज्ञान है जो आगे काम आएंगे। फिल्म में विजय भारद्वाज की मौजूदगी भी है जो प्रायोजकों में से एक है और उन्हें फिल्म में एक छोटी भूमिका निभाई है। वो फिल्म के लिए भी उत्साहित थे और पूरी तरह से पदोन्नति का समर्थन करते थे। बता दें कि ये फिल्म 3 नवंबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज कर रही है। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक पहुँचा सकें पहचान सच्चाई की। इसी के साथ मैं हिमांशी उपाध्याय, राइट 24 न्यूज़।